आदर है खुदा का नाम मान कि दे बलोच पर नहीं बोला तुझे ना। हाँ लेक्चर कंप्यूटर है ना वे। उर्दू है। हाँ रूम आईसीएस रूम बावी रूम 21 है मेरा बावी लिखे ना लेक्चर उर्दू वाले। आईसीएस है हाँ ये बस तो ठीक है सब 9-5 घंटा आदरी तक है बस ठीक है। तस्वीर सही अंदी पे रहने की आखिर तस्वीर क्यों हैं देनो बाले ने एडमिट ऑल कर खड़ा था एक रवा कितने बनाओ सी क्या ना जमा के दोना क्या कैमरे ले के सही कह रहा उतरी को आवाज खोला मैं क्या आवाज बंद कर दे। दरवाजे के कुछ नहीं भाई सब मारा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रोहान समद कैसे हैं आप? ठीक हैं? आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल ठीक है। जी 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 सर आ रही है आवाज। उन्हें दावे से लेक्चर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो आपका मेरा हम सब का खालिक मालिक और राज़िक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला आपको मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जहाँ आपके कदम हुआ जन्नत के बाग हूँ। तो अजीज़ बच्चों एक और उर्दू लेक्चर इल्म बयान और तलमी के साथ आपसे मुखातिब हूँ इमरान अली। अब सबसे पहले हमने देखना यह है कि इल्म बयान जो है ये होता क्या है। इल्म बयान ऐसा इल्म जिसको मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाए, मुख्तलिफ तरीकों से बयान करने का इल्म, इल्म को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करना इल्म बयान कहलाता है। जिस तरह इल्म बयान और बदी, इल्म बयान की दर्जेल अकसाम हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। अब इल्म बयान में हमारे पास, इल्म बयान की हमारे पास हैं 4 किस्में। तो बेटा उम्मीद काफ़ी है कि आपके पास पेज भी होगा, उस पर आप सवाल भी लिखते जाएँ। लास्ट में आपको टाइम दूंगा सवालात का, तो आपने सवाल भी पूछने हैं। तो इल्म बयान में हमारे पास हैं 4 किस्में। ये आखिरी दिन अगर आपको याद हो क्लास में मैंने आपको इल्म बयान की कुछ चीज़ें पढ़ा दी थी, अगर आपको याद हो। उसमें इल्म बयान की पहली किस्म है वो आपके पास है तशबीह। दूसरे नंबर पर है हमारे पास इस्तियारा। तीसरे नंबर पर हमारे पास है मजाज मुरसिल। और चौथे नंबर पे हमारे पास है किनाया। लेकिन हमारे सिलेबस में यानी 11वीं क्लास में हमारे पास तशबीह और इस्तारा ये 2 चीज़ें हैं, मजाज मुरसिल और किनाया हमारे पास नहीं है। अब तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जिस तरह बताया है कि आखिरी दिन क्लास में आपको याद होगा, अगर आप लोग सुन रहे हैं हुज़ैफ़ा रूहान समद और दूसरे साथी काशिफ वगैरह सारे अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको आखिरी दिन मैंने पढ़ाया था याद होगा तशबीह के हवाले से मैंने मुख्तलिफ चीज़ें बता दी थी। अब दोबारा दोहरा देते हैं, इस्तारा भी बता देता हूँ और फिर तलमी, ये 3 चीज़ें आज हैं, इनको मुख्तसर इनका जायज़ा भी लेना है और ये चीज़ें आप तक पहुँचानी भी है। तो तवज्जो से सुनिएगा, कुछ सवालात अगर आपकी समझ में ना आए तो लिखते जाइएगा, आखिर में मैं वो बता दूंगा आपको। जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने पहले बताया है कि इल्म बयान की 4 किस्में, जिसमें तशबीह इस्तारा इन 2 चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। बाकी चीज़ें मजाज मुरसल और किनाया हमारे पास नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है।
आप खामोश हो जाएं बेटा, अपनी आवाज थोड़ा सा वो कर लें। अब तशबीह, जिस तरह मैंने बताया था कि तशबीह हमारे पास है अरबी जुबान का लफ्ज और इसकी जमा बनती है तशबीहात। तशाबीह भी बाद जगहों पे लिखा हुआ है लेकिन तशबीहात इसकी अरबी जमा बनती है। अब दो चीजें हैं, तशबीह और इस्तारा, जो इल्म बयान के हमारे पास किस्में हैं, यही दो, इनको हमने डिस्कस करना है। जो तलमीह है उसको सनद के तौर पर भी देखा जाता है। तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज है, ये याद रखना क्योंकि बहुत ही अहम मारूजी है ये। तशबीह हमारे पास क्या है? अरबी जुबान का लफ्ज है। और माखज क्या है, यानी किस लफ्ज से निकला हुआ है ये लफ्ज? तशबीह का लफ्ज शुबा से निकला हुआ है, यानी शक, जिसके मैनी ममासिल होना, ममासलत होना, मुशाबहत होना, एक जैसा होना के बनते हैं। ये लफ्ज अरबी जुबान का है जिसकी जमा तशबीहात बनती है, और ये लफ्ज शुबा से निकला हुआ है जिसके मैनी ममासिल होना, ममासलत होना, मुशाबहत होना। तवज्जो से सुनिएगा अजीज बच्चों। अब आगे, एक तो एक लफ्ज का होता है लुगवी मतलब, एक होता है इस्तलाही मतलब। लुगवी मतलब तशबीह, जो मैंने अब बताया है आपको, ममासिल होना, ममासलत होना या मुशाबहत होना, ये उसका लुगवी मतलब है। आगे फिर आपके पास होगा तशबीह का जो है इस्तलाही मफहूम क्या बनता है। यहां स्क्रीन पे आप जिस तरह देख रहे हैं, इल्मे बयान की इस्तलाह में जब किसी एक चीज को, अब यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, अगर इसको हम थोड़ा सा इसको बढ़ा भी दें, जब किसी एक शख्स या एक चीज को किसी मुश्तरक खूबी या वस्फ की बिना पर किसी दूसरी चीज की मानद करार दिया जाए, उसे तशबीह कहते हैं। अब दोबारा सुन लीजिएगा, तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज है जो शुबा से निकला हुआ है। अब जिस तरह आपको पता है कि जो शेरी इस्तलाहात मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को, वो सालाना पेपरों में आपके पास 5 नंबर की होंगी। कितने नंबर की? 5 नंबर की होंगी। उसमें मतला, मक्ता, काफ़िया और रदीफ, ये 4 चीज़ें 5 नंबर की, और 5 नंबर की आपके पास होंगी तशबीह, इस्तियारा और तलमीह। ये 10 नंबर आपके पेपरों में ऑब्जेक्टिव में ये चीजें आएंगी। दोबारा फिर बता रहा हूं, तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका जो लफ्जी मतलब है ममासिलत होना, मुशाबे होना या ममासिल होना। ये लफ्ज शुबा से निकला हुआ है। इल्मे बयान की इस्तलाह में, ये उसका इस्तलाही मफहूम फिर दोहरा रहा हूं, जब किसी एक शख्स या चीज को किसी मुश्तरक वस्फ या खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज की मानद करार दिया जाए, उसे तशबीह कहते हैं। ये उसका जो है इस्तलाही मफहूम था। अब अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि यहां मिसालें उसने दी हैं, इससे पहले मैं मिसालों से पहले आपको अरकान तशबीह बता देता हूं। अरकान तशबीह, जिस तरह क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा कि उसमें अरकान तशबीह हमारे पास हैं 5। अरकान तशबीह हमारे पास 5 कौन कौन से? मुशब्बा, मुशब्बा बेही, वजह शुबा या वजह तशबीह, हरफ तशबीह या आदात तशबीह, आखिरी जो होता है गर्ज तशबीह, ज़रूरत तशबीह या हाजत तशबीह। क्योंकि ये मुतरादिफ अल्फाज हैं इसलिए मैं आपको सारे बता रहा हूँ। दोबारा सुन लें, तशबीह के अरकान की तादाद होती है 5। तशबीह का इस्तेमाल नाज्म और नासर दोनों में होता है। तशबीह का इस्तेमाल नाज्म और नासर दोनों में होता है, यानी नाज्म में भी उसका इस्तेमाल मौजूद है और नसर के अंदर भी उसका इस्तेमाल मौजूद है। फिर अरकान दोहरा रहा हूँ, शायद अरकान आगे स्क्रीन पे भी आप देख सकेंगे, लेकिन इससे पहले उसने मिसालें दी हैं। मुशब्बा, जिसको तशबीह दी जाए, मुशब्बा बेही, जिस से तशबीह दी जाए, आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, जिस को तशबीह दी जाए, जिस से तशबीह दी जाए, वजह शुबा और वजह तशबीह, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बेही को हम तरफैन तशबीह भी कहते हैं, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बेही के दरमियान मुश्तरक जो सिफत है, मुश्तरक जो बात है, वो कहलाएगी वजह शुबा या वजह तशबीह। अब उसके बाद हमारे पास है हरूफ तशबीह या आदात तशबीह। अब हरूफ तशबीह या आदात तशबीह क्या होते हैं, ये पहचान है फिक्रे के अंदर।
आपने देखना होगा, अगर ये हरूफ आ जाएं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये तशबीह का फिक्रा है। अब मैंने वो लिखवा भी दिए थे, अगर आपने लिखे थे उस वक्त, उसमें अदात तशबीह या हरूफ तशबीह, ये एक दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। हरूफ तशबीह का दूसरा नाम अदात तशबीह होता है। सा, से, सी, जैसा, जैसे, जैसी, मानिद, की तरह, की सी, मिसल, मसील, अदील, गोया, केहे, सूरत, और बाशक्ल, बारंग। ये जो हरूफ हैं इनको हरूफ कहा जाता है क्योंकि इनका अलहदा अपना मतलब नहीं होता, इनको गैर मुस्तकिल अल्फाज भी कहते हैं। तो ये आपके पास होंगे हरूफ तशबी या आदात तशबी। अगर ये फिक्रे के अंदर आ जाएं या शेर के अंदर आ जाएं तो वो फिक्रा तशबीह का कहलाएगा जुमला, और शेर भी वो तशबीह का कहलाएगा। अब मिसालें सामने हैं, दोबारा फिर समझा देता हूं इस्तारा में भी। जमीला की रंगत चांद की तरह सफेद है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या ये तशबीह का है या नहीं है। जब ये देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया है अदात तशबीह में की तरह भी मौजूद है, की तरह मौजूद है तो ये आपके पास तशबीह का फिक्रा है। जमीला जिस, हाँ, जिसको तशबीह दी जाए। अब जमीला क्या है? मुशब्बा है। चांद क्या है? मुशब्बा वही है। अब चांद और जमीला के दरमियान मुश्तरक सिफत क्या है? वो सुफैदी है। उसके बाद गार्द तशबीह क्या थी? पहला रुकन आपके पास जमीला, दूसरा रुकन आपके पास चांद, अब तीसरा रुकन वजह तशबी या वजह शुबा क्या है? सुफैदी। चौथा रुकन की तरह, पांचवा रुकन जमीला की रंगत को जाहिर करना था। यानी तशबी के पांच, बाज अशार के अंदर या फिक्रों के अंदर चार अरकान भी होते हैं लेकिन ज्यादा में पांच होते हैं। शाजिया फूल की मानद है। अब इसमें देखें, मैंने आपको बताया है जिस तरह, पहले सबसे पहले तो ये देखना है हमने कि क्या यह तशबी का फिक्रा है या नहीं है, पहले ये देखना होता है। उसमें मैंने बताया है कि हरूफ तशबी और आदात तशबी में सा, सी, से, जैसा, जैसी, जैसे, की तरह, मानिद, की सी, बाशक्ल, गोया, केहे, सूरत, अगर ये फिक्रे के अंदर अल्फाज आ जाएं इनको हरूफ कहा जाता है। अगर ये आ जाएं तो वो तशबी तशबी का होता है। अब यहां शाजिया फूल की मानिद है। अब शाजिया, इसको हम तशबी दे रहे हैं, ये मुशब्बा है। किससे तशबीह दे रहे हैं? फूल से तशबीह दे रहे हैं, ये मुशब्बा वही है। और सबसे पहले तो हमने पहचान की उनको मानद आ गया है। अब यहां वजह शुबा क्या है? ठीक है जी, यानी एक दूसरे का इनका खूबसूरत होना, खूबसूरती वजह तशबीह है। चौथा रुकन मानद जो है ये आपके पास हरूफ तशबीह है, और पांचवा रुकन गर्द तशबीह, शाजिया की खूबसूरती बयान करना हमारा मकसद था। बच्चे के रुखसार रेशम की तरह नरम व मुलायम है। अब इसमें देखें, अब की तरह आ गया, ये तशबीह का है। अब बच्चा क्या है? मुशब्बा है। रुखसार क्या है? मुशब्बा वही है। और इन दोनों के दरमियान इनको तरफैन तशबीह भी हम कहेंगे, मुशब्बा और मुशब्बा वही को हम तरफैन तशबीह भी कहेंगे। अब तरफैन तशबीह, इनके दरमियान जो मुश्तरक सिफत है वजह शुबा या वजह तशबीह कहलाती है। और बच्चे और रुखसार के दरमियान मुश्तरक सिफत क्या है? रेशम, यानी दाजगी जो है, नरमो मलायम जो है वो क्या है? वजह शुबा है। उसके बाद की तरह हरूफ तशबी, और आखिरी रुकन गाज़ तशबी, बच्चे के रुखसारों को जो है उनकी खूबसूरती या उनका नरमपन जाहिर करना था। दुल्हन तो चौदहवीं के चांद की माने हसीन है। अब दुल्हन मुशब्बा, चांद मुशब्बा वही। दुल्हन तो चौदहवीं के चांद की मानद हसीन है। अब दुल्हन और चांद के दरमियान खूबसूरती वजह शुबा है, और चौथा जो रुकन है वो मानद है, पांचवा रुकन है दुल्हन की खूबसूरती को बयान करना मकसद था। मैंने कहा तशबीह का सहारा इसलिए लिया जाता है कि कलाम में खूबसूरती पैदा होती है और पढ़ने में फिक्रा खूबसूरत बन जाता है, इसलिए तशबीह का सहारा लिया जाता है। स्क्रीन पे आपने देखा है। अब आगे वही चीजें जो मैंने अभी आपको बता दी हैं, क्योंकि वो पहले बता दी हैं, क्योंकि अगर वो मैं ना बताता तो शायद
आप जो है वो अरकान उसमें ढूंढ ना सकते। वो जो मिसालें आपने, दोबारा दिखा रहा हूं आपको, ये जो मिसालें हैं आपके पास बेटा, ये आपकी नसरी मिसालें हैं। ये नसर से आपको बताया गया है कि तशबीह का इस्तेमाल नाज्म और नसर दोनों के अंदर होता है, नाज्म के अंदर भी और नसर के अंदर भी। अब नाज्म से मुराद शायरी है और नसर से मुराद जिसमें नावल, अफसाना, ड्रामा, आप बीती, सवान उम्र, ये चीजें आ जाती हैं, वो आपके पास क्या है, नसरी मिसालें। ये आपके पास थी नसरी मिसालें जो मैंने आपको दी हैं, मिसालें स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनको आप नसरी मिसालें कहेंगे। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे थोड़ा सा तो तशबीह के अरकान, यहां पर मैं आपको इस्तारा भी साथ साथ बताता रहता हूं। अब तशबीह के अंदर जो है इनका मुवाजना मैं ये बता देता हूं, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इस्तारा जो होता है किसी चीज को हू बहू वही चीज बना देना इस्तारा कहलाता है। इस्तारा जो है अब वो मुस्तार से निकला हुआ लफ्ज है, मुस्तार का मतलब होता है उधार, इस्तारा का मतलब बनेगा उधार लेना। ये एक एक जैसी चीजें हैं, थोड़ा सा अगर तशबीह समझ आ जाएगी तो इस्तारा भी समझ आ जाएगा। उसमें ये होता है जब कोई लफ्ज, इस्तारा में ये होता है जब कोई लफ्ज हकीकी मैनू की बजाय मजाजी मैनू में इस तरह इस्तेमाल हो कि हकीकी और मजाजी मैनू में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, और इस्तारा में किसी चीज को हू बहू वही चीज बना दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अब तशबीह है, आबिद शेर की तरह बहादुर है, तवज्जो से सुनिएगा, आबिद शेर की तरह बहादुर है। अब की तरह आ गया, तशबीह का फिक्रा है। अब इसी फिक्रे को मैं इस्तारा में तब्दील करता हूं, आबिद शेर है, अब की तरह मैंने काट दिया, आबिद शेर की तरह बहादुर है, यह तशबीह है, की तरह आ गया। अगर आबिद शेर है हम कहेंगे तो ये आपके पास इस्तारा का फिक्रा बन जाएगा। अच्छा, तशबीह के अंदर आपने देखा फिक्रा ज्यादा था, इस्तारा के अंदर कम हो गया। अब तशबीह जो थी उसमें क्योंकि पांच अरकान हैं, इस्तारा के अंदर होते हैं तीन अरकान, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। मुस्तार लहू जिसके लिए उधार लिया जाए, कोई सिफत उधार ली जाए, मुस्तार मिनहू जिससे उधार ली जाए, वजह जामे इन दोनों के दरमियान, यानी मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू के दरमियान मुश्तरक सिफत आपके पास क्या होगी, वजह जामे होगी। अब इसी तरह तशबीह के अरकान आपके पास हैं पांच, ये याद रखने की चीजें हैं, तशबीह के अरकान आपके पास पांच हैं, इस्तारा के अरकान आपके पास हैं तीन। अब स्क्रीन पे जिस तरह आप देख रहे हैं, तशबीह के अरकान जो है मुशब्बा, मुशब्बा बेही, हर्फ तशबीह, वजह तशबी या गर्ज तशबी। अब मैंने पहले भी बताया है आपको मुशब्बा मुशब्बा बेही, हर्फ तशबी का दूसरा नाम है आदात तशबी। ऐन से नहीं लिखा जाएगा, अलिफ से लिखा जाएगा, अलिफ दाल अलिफ ते, आदात तशबी, इनको हरूफ तशबी भी कहा जाता है। वजह तशबी इसको वजह शुबा भी कहते हैं। गर्ज तशबी इसके मुतरादफात मैंने पहले भी बता दिया, गर्ज तशबी, जरूरत तशबी या हाजत तशबी, ये पांच अरकान हैं, इनको याद रखने की जरूरत है। तशबीह के जो अरकान हैं आप स्क्रीन पे जिस तरह देख रहे हैं उनकी तारीफें मैंने पहले आपकी समातों को सुपुर्द की हैं, दोबारा से देख लें ताकि चीजें जहन नशीन हो जाएं और आपके पांच नंबर जाए ना हो। मुशब्बा जिस चीज को दूसरी चीज की मानद या मुशाबे करार दिया जाए वो मुशब्बा कहलाती है। अब मैंने पहले भी बताया जिसको तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाता है, जिससे, आसान अल्फाज में बता रहा हूं आपको, जिसको तशबीह दी जाए या जिससे तशबीह दी जाए मुशब्बा बेही, जिसको मुशब्बा, जिससे, जिसको जिससे, ये दो अल्फाज याद कर लें, जिसको वो मुशब्बा, जिससे मुशब्बा बेही। आबिद शेर की तरह बहादुर है, आबिद को तशबीह दे रहे हैं, ये आबिद मुशब्बा है, अब शेर क्या है, मुशब्बा बेही है। वो चीज जिसके साथ किसी दूसरी चीज को तशबीह दी जाए या मुशब्बा को जिस चीज से तशबीह दी जाए मुशब्बा बेही कहलाती है। मुशब्बा और मुशब्बा बेही तरफैन तशबीह भी कहलाते हैं। इन दोनों को मैंने लास्ट डे भी जो था आपको क्लास में समझाया था कि मुशब्बा और मुशब्बा बेही को तरफैन तशबीह भी कहते हैं। अगर इस्तारा की तरफ जाएं तो मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू को आप तरफैन इस्तारा कहेंगे, चीजें एक ही हैं, फर्क थोड़ा सा फर्क है, इनको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। उसके बाद हरूफ तशबीह या आदात तशबीह अभी बताया है मैंने वो लफ्ज। अच्छा, यहां थोड़ा सा एक तजस्सुस ये है, एक दावत फिक्र दे रहा हूं आपको, वो लफ्ज जो एक चीज को दूसरी चीज की मानत जाहिर करें हरफ तशबी कहलाते हैं। ऊपर लिखा हुआ है हरूफ तशबी, नीचे लिखा हुआ है लफ्ज, इनको क्योंकि
दो या दो से ज्यादा हरूफ मिलकर लफ्ज बनाते हैं, दो या दो से ज्यादा हरूफ का मजमुआ लफ्ज कहलाता है। अच्छा, अगर लफ्ज कहलाता है तो यहां पे हर्फ हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर्फ वो अल्फाज, इनको हम गैर मुस्तकिल अल्फाज भी कहते हैं, यानी ये फिक्रे के अंदर आकर अपना मतलब वाज़े करें, अकेला इनका कोई मतलब वाज़े ना हो, उनको हम हरूफ कहते हैं। अब यहां देखें, मैंने पहले भी बता दिए हैं, ऐसा, सी, से, जैसा, जैसे, जैसी, की तरह, मानिद, गोया, मिसल, हूबहू, मसील, अदील, बा शक्ल, बा रंग, तो ये सारे के सारे आपके पास हैं हरूफ तशबी। क्या है ये आपके पास? हरूफ तशबी। वजह शुबा या वजह तशबी, चौथा रुकन देख रहे हैं आप, वो मुश्तरक खूबी या खामी जो मुशबा और मुशबे में पाई जाए, इन दोनों को हम वजह शुबा या वजह तशबी भी कहते हैं। आखिरी रुकन जो है आपके पास वो है गर्ज तशबी, वो मकसद या गर्ज जिसके लिए तशबीह दी जाए, यानी जरूरत क्यों पेश आई हमें तशबीह देने की, हमें जरूरत क्यों पेश आई, उसे हम कहते हैं गर्ज तशबी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आबिद शेर की तरह बहादुर है, तो यहां जरूरत यह थी कि आबिद की बहादुरी को बयान करना हमारा मकसद था, हमने तशबीह का सहारा लिया, फिक्रा भी खूबसूरत बन गया और आबिद की बहादुरी को भी हमने जाहिर कर दिया। इनको हम अब वही ना, इनको हम इल्म बयान कहते हैं, ऐसा इल्म जो मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया जाए उसे हम इल्म बयान कहते हैं। आगे फिर देखें, यहां पर जो फिक्रे हैं वजाहत के लिए उसने फिक्रे दिए हैं आपको, जमीला की, जमीला चांद की तरह सफेद है, जमीला को चांद से तशबीह दी गई है। सबसे पहले तो वही देखना है, वही फिक्रे मैंने पहले समझा दिया आपको, दोबारा देख लें, मुशब्बा जो है जमीला है, मुशब्बा भी ही चांद है, हरूफ तशबीह की तरह, वजह तशबीह सफेदी है इनके दरमियान, गर्ज तशबीह क्या है, खूबसूरती की सिफत को उजागर करने का मकसद था हमारा, इसलिए हमने तशबीह का सहारा लिया। अब दूसरा फिक्रा है जिसमें वजाहत की गई है, शाजिया फूल की मानद है, शाजिया को फूल से तशबीह दी गई है, मुशब्बा शाजिया, मुशब्बा बे ही फूल। जल्दी से दोहरा रहा हूं, ये चीजें आप पहले से भी जानते हैं, उम्मीद यही है कि पहले से भी जानते हैं आप लोग। हर्फ तशबी मानद है, वजह तशबी नरमी है, गर्द तशबी नजाकत की सिफत को उजागर करना था। अब ये तो थी आपके पास बेटा तशबी। अब थोड़ा सा इन चीजों को जान लें, इस्तारा को थोड़ा सा जान लें, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीजें हैं। अब इस्तारा में मैंने कहा तीन अरकान होते हैं, तशबीह में आपके पास होते हैं पांच अरकान। अब वही फिक्रा मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये फिक्रा जहन में नशीन कर लें, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आबिद शेर की तरह बहादुर है, अब की तरह आ गया है, हरूफ तशबीह होगा तो वो तशबीह होगी। अब इसी फिक्रे को मैं इस्तारा में बदलता हूं, इस्तारा अरबी जुबान का लफ्ज है, इस्तारात इसकी जमा बनती है, और इस्तारा का लफ्ज मुस्तार से लिया गया है, मीम सीन ते ऐन अलिफ रे, मुस्तार यानी उधार, इसका लफ्ज मतलब मुस्तार का उधार बनेगा, इस्तारा का मतलब बनेगा उधार लेना। इसके तीन अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू और वजह जामे। मुस्तार लहू की तारीफ, जिसके लिए उधार लिया जाए, जिसके लिए कोई बात या सिफत उधार ली जाए, मुस्तार मिनहू जिससे कोई सिफत उधार ली जाए। अब इन दोनों के दरमियान मुश्तरक सिफत जो है, मुश्तरक बात जो है, वो वजह जामे कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वजह जामे। अब आबिद शेर की तरह बहादुर ये तशबीह है, पांच अरकान भी हमने इसमें से तलाश कर लिए। अब इसी फिक्रे को मैं इस्तारा में बदलता हूं, आबिद शेर है, अब हम किसके लिए उधार ले रहे हैं? आबिद के लिए उधार ले रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा मुस्तार लहू। किस चीज से उधार ले रहे हैं? शेर से उधार ले रहे हैं, तो ये मुस्तार मिनहू बन गया। जिसके लिए उधार लिया जाए मुस्तार लहू, जिससे उधार लिया जाए मुस्तार मिनहू। अब शेर और आबिद के दरमियान जो मुश्तरक सिफत है, जो बात है, वो आपके पास होगी वजाए जामे। इस्तारा के इस्तेमाल भी नज्म और नस्र दोनों में होता है, तशबीह का इस्तेमाल भी नज्म और नस्र दोनों में होता है। अब जिस तरह ये फिक्रे आपको बताए गए, ये नसरी फिक्रे थे। अब अगर हम अशार की तरफ आते हैं, शेर के अंदर भी तशबीह का इस्तेमाल मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं, क्योंकि यहां पर स्क्रीन पे नहीं है तो मैं आपको एक बता देता हूं,
व्हाइट बोर्ड पे भी लिखवाया था आप लोगों को याद होगा, जब आखिरी दिन था, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या ये तशबी का शेर है या नहीं है, साफ नजर आ रहा है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब की सी का हरूफ ये मौजूद है, ये तशबी का फिक्रा है, शेर है। अब इसमें मुशब्बा क्या है, जिसको तशबी दी जाए उसके लब की क्या कहिए। अब लब जो है आपके पास मुशब्बा है, अब गुलाब की पत्ती आपके पास मुशब्बा बे ही, हम होंठों को तशबीह दे रहे हैं किस चीज के साथ, गुलाब की पत्ती के साथ। मुशब्बा होंठ, महबूब के होंठ ये समझ लें, मुशब्बा बे ही आपके पास गुलाब की पत्ती या फूल की पत्ती। अब इन दोनों के दरमियान मुश्तरक सिफत वजह शुबा क्या है, नाज की है। और आदात तशबीह की तरह गर्द तशबी क्या था, यानी इनको इन किसी दोस्त की या महबूब के होंठों की तारीफ करना हमारा मकसद था। तो ये अशार के अंदर, अब मिसाल के तौर पर जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जिंदगी है या कोई तूफान है, अब या आ गया है, ये हमारे पास क्या है, हरफ तशबी है। जिंदगी मुशब्बा, तूफान मुशब्बा बे ही। वजह शुबा क्या है, दोनों के दरमियान, दोनों का तबाही और बर्बादी लाना, इंसान जब पैदा होता है तो गुनाहों से पाक होता है, जब चला जाता है तो वो गुनाहों से डूब कर जाता है। तो गर्द तशबी क्या थी, जिंदगी के दुखों को बयान करना मकसद था। तो ये आपके पास तशबी थी। इस्तारा में हूबहू ही चीज बना दी जाती है, ठीक है जी। तो ये इनके दरमियान फर्क होता है, जिस तरह मैंने बताया है इस्तारा में, यानी अब मैं ये कहता हूं कि मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, यह तशबीह है, की तरह आ गया, मेरा बेटा चांद है। अब यह आपके पास क्या है, इस्तारा है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपके पास एक और छोटा सा टॉपिक है इस्तारा, दोबारा इंशाल्लाह कभी तरतीब बनेगी तो दोहरा दूंगा। इस्तारा की एक मैं आपको मिसाल दे देता हूं शेर की। आंखों से गिर ना जाए मोती संभाल लो, आंखों से गिर ना जाए मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहां। पलकों से गिर ना जाए मोती, दोबारा सुन लें, आंखों से नहीं है, पलकों से, पलकों से गिर ना जाए मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नजर कहां। अब पलकों से मोती नहीं गिरते, आंसू गिरते हैं, हूबहू ही चीज बना दी है, ये आपके पास क्या है, इस्तारा है। अब आगे छोटा सा टॉपिक है सनत तलमीह का। तलमीह, इसको हम सनत कहते हैं, सनत सनाई से निकला हुआ लफ्ज़ है, जिसका मतलब होता है कारीगरी। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं सवालात के लिए भी, टाइम 10 मिनट है, मैं दे रहा हूं बस, ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, ये थोड़ा सा आपको बता के फिर सवालात का टाइम देता हूं। सनत तलमीह, तलमीह सनत कहते हैं सनाई को या कारीगरी को। शायरी के अंदर मुख्तलिफ सनतें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें तलमीह है, मुरातु नज़ीर है, हुस्न तालील है, तजनीस है, सनत तजाद है, मुख्तलिफ है। जो आपके सिलेबस में है वो तलमीह है। तलमीह अरबी जुबान का लफ्ज़ है, जिसका लुगवी मतलब है इशारा करना। तारीफ इस्तलाह में नाज़्म व नसर में किसी कुरानी आयत, हदीस नबवी, तारीखी वाक़या या रिवायती किरदार की तरफ एक या दो लफ्ज़ में इस तरह इशारा करना कि पढ़ने वाले को पूरा वाक़या समझ में आ जाए, उसे सनत तलमीह कहते हैं। अच्छा, सबक पढ़ाते हुए या नाज़्म पढ़ाते हुए आपको याद होगा, मैंने सनद तलमी का कुछ आपको बता भी दिया था, अगर आपको याद हो। मैंने यहाँ पे आप देखें, एक एक फिक्र मैं आपको बताता हूँ, इसको जहन में रख लें। दरिया को कूजे में बंद करना तलमी कहलाता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, आ रही है चाहे यूसुफ से ये सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। अब चाहे यूसुफ, यूसुफ का कुआं, चाह कहते हैं कुएं को, गढ़े को, चाह चाहत से भी है, लेकिन यहां मुराद कुआं है, गढ़ा, यानी वो गढ़ा जिसमें हजरत यूसुफ को उनके भाइयों ने डाल दिया था। अब एक बहुत बड़ा वाक्या है, बहुत बड़ा वाक्या है, उसे दो मिसरों के अंदर शायर ने बयान कर दिया, ये सनत तलमी है। बहुत बड़े वाक्य को, उसमें कुरानी आयत हो, हदीस नबवी हो, तारीख वाक्या हो, उसे दो मिसरों के अंदर, एक फिक्रे के अंदर, एक मिसरे के अंदर बंद कर देना तलमी कहलाता है। आपको याद होगा एक बड़ा खूबसूरत शेर मैंने आपको सुनाया था क्लास में, दावा करूंगा हश्र में मूसा पे खून का, कि
क्यों उसने आप दी मेरे कातिल की तेख को। अब हजरत मूसा का नाम आ गया तो ये आपके पास क्या है, तलमी है। एक बहुत बड़ा वाकया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे कोहे तूर पे अल्लाह से मुलाकात करने, कहा कि अल्लाह पाक अपना जलवा दिखाया, अल्लाह ने जलवा दिखाया, वो पहाड़ सुरमा बन गया। तो अब ये एक बहुत बड़ा वाक्य, एक इशारा किया गया एक बहुत बड़े वाक्य की तरफ। तो ये आपके पास सनद तलमी है। अब इसकी मिसालें मैं देता हूं, ससी पुनु हीरा राजा सोनी माहिवाल, ठीक, आदो समूद और आगे सुलेमान, आतिश नमरूद, चाहे यूसुफ, अब उसके बाद दाराओ सिकंदर, ये सारी की सारी चीजें आपके पास तलमी हाथ हैं, ठीक है जी। तो इनको आप देखना। उसके बाद आगे यहां पे आपको समझाने की कोशिश की गई है, तुम तो मजनू बने फिरते हो, मजनू लैला के इश्क में दीवाना बना फिरता था। अब मजनू ये तलमी है, एक बहुत बड़ा वाक्य है, इशारा किया गया उस तरफ आ रही है, चाहे यूसुफ से यह सदा दोस्त या थोड़े और भाई बहुत, तो ये भी जो है इसमें तलमी है, चाहे यूसुफ, ये आपके पास तलमी है। अच्छा, तो बेटा आप फिर थोड़ा सा हम जो है मैं आपको सवालात के हवाले से टाइम देता हूं, आप कोई सवाल हैं तो आप लोग पूछ लें। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी जी, सवालात बेटा पूछने हैं तो पूछें आप लोग। हेलो, आवाजें आ रही है बेटा? रुहान, सवाल पूछ रहा है कोई? नहीं सर, कोई सवाल नहीं पूछना। बाकी किधर हैं, अली मरजान, वलीद खान वगैरह वगैरह, आपकी आवाज़ें नहीं आ रही? आपके माइक बंद है सर सबके। अच्छा अच्छा ये अब देखें, अब खुले हैं? सर उन्होंने खुद अनम्यूट किया होगा। खुद किया हुआ उन्होंने? जी सर जी। कोई सवाल है तो पूछें बेटा आप लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। जी जी, वालेकुम सलाम बेटा। सर आपने ऐसा समझाया सवाल की नौबत ही नहीं आई। नहीं, कोई इसमें कोई चीज अरीब, अमजद, हसन, कलीम वगैरह वगैरह? जी जी, तशबीह, इस्तारा और तलमी के हवाले से कोई चीज समझ ना आ रही हो? सर फिलहाल तो ओके है, होगा तो कोई फिर पूछ ले। हाँ, कौन बात कर रहे हैं आप? शर्जील सर। शर्जील, ये तलमी समझ आ गई है? तलमी जी सर। हाँ, ये बहुत बड़ा वाकया जो है उसको बयान करना तलमी कहलाता है। सवालात बहुत बड़ा वाकया सर। जी जी, ओके सर। वीडियो मेरी तस्वीर बन जाऊंगा दिया। सवालात ये उस चीज को भी बयान करना तलमी कहलाता है? जी जी सर, किसी मखसूस चीज को भी बयान करना तलमी कहलाता है? अब मखसूस चीजों में बेटा चीजें आ जाती हैं। आप मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा वाकया है, कुरानी हवाला है, आइम्मा कराम के बारे में है, अंबिया के बारे में है। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा वाकया, उसे मुख्तसर कर देना आपके पास तलमी कहलाता है, जिसमें आ जाती है ससी पुनु हीरन राजा सोनी माहिवाल, अंबिया का जिक्र आ जाए, मतलब चाहे यूसुफ है, दारा और सिकंदर है, किसी बड़े बादशाह का जिक्र आ जाए, बात आ जाए, वो तलमी कहलाता है। तलमी का मतलब होता है इशारा करना,
एक बहुत बड़े यस वाक्य को ये समझ लें कि एक फिक्र या नस्र के अंदर बंद कर देना तलमी कहलाता है। जी जी सवालात पूछे बेटा। मोहम्मद अहमद वलीद खान, सारी चीजें समझ आ गई हैं आप लोगों को? रुहान समद, जी सर, आ गई है समझ। अच्छा चीजें समझ आ गई हैं आपको? हाँ चले मुझे आप बताएं, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर उला, और जिसकी फकीरी में बुए असदुल्ला ही, इसने इसमें कितनी तलमीहात हैं? दाराओ सिकंदर, जी, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर उला, हो जिसकी फकीरी में बुए असदुल्ला ही। दो सर, इसमें दो है सर। हाँ कौन कौन सी? सर एक सिकंदर दारा आजम है वाली होगी, सिकंदर और असदुल्ला, और हाँ जी, दाराओ मिर्जा असदुल्ला। सिकंदर, नहीं असदुल्ला नहीं है यहाँ, असदुल्ला से मुराद हजरत अली अलैहि सलाम है। ठीक है जी, तीन तलमीहात हैं, दारा सिकंदर असदुल्ला ही। ठीक है जी। अच्छा जी, आतिश नमरूद क्या है? जी जी बोले। हाँ ये भी तलमी है बेटा। ठीक है, अच्छा अब तशबी, इस्तारा, इस्तारा समझ आ गया है? बेटा इस्तारा समझ आ गया आप लोगों को? यस चले, सर, वो आज हमजा किधर है? हमजा नहीं है, राणा हमजा। राणा हमजा नहीं है आज? चलें जी बेटा, आज टाइम खत्म हो गया है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग अल मुबीन। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। नहीं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? हाँ जी रोशन, रोहन आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है आवाज। अच्छा ये बताओ क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? चैप्टर 7 स्टार्ट करना है आज? पता नहीं सर। कोई है जिसको बताओ क्या पढ़ना है? ये देख लें, ये आपकी पढ़ाई का मिजाज है।